सुधांशु जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। न लेना न देना, बस बहाना बनाना ताकि उनका नाम लेते रहें और बाकी 80% को एकजुट करते रहें। 80-20 वाला आपका पुराना हिसाब किताब क्यों सुधांशु जी? क्यों मुस्लिम मतदाता वैसे भी आपको वोट नहीं दे रहा, ये तो आप लोग जानते ही है, तो फिर बाकियों को अगर साधना है, एकजुट करना है, तो 20% का नाम लेते रहना है। देखिए अंजना जी, अभी आपने जो दिखाया उससे एक बात बहुत साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में बाकी दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कहां पहुंचाया है। यह उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां मुसलमानों के दो सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल सेंटर, दो सेक्ट माने जाते हैं ना, देवबंदी और बरेली, दोनों उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में, लखनऊ का नदवातुल उलेमा, आपको पता है तेहरान के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में शियाओं की पॉपुलेशन वो लखनऊ में। इतना बड़ा सेंटर जो था, जहां आजादी के समय सबसे पढ़े लिखे मुसलमान 20% लोग उस समय ब्यूरोक्रेसी में थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, एक से एक शायर, नगमा निगार और फनकार होते थे वहां। आज 3 पीढ़ी के बाद वही मुस्लिम समाज गरीबों गुर्बत मुफलिसों मुस्लिमियत तक पहुंच गया, किसी लिए मुस्लिम वोटों की जवाबी पॉलिटिक्स के लिए, कि सबने उसको वोट बैंक की तरह यूज किया कि भाई तू मेरी तरफ देखता रहे और हमें वोट देता रहे, बाकी तू जाना चाहे तो जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने याद दिलाया था ना कि राजीव गांधी जी की कैबिनेट के मंत्री ने कहा था कि मुस्लिम गटर में पड़े रहना चाहते तो पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको सुधार करने के चक्कर में पड़ोगे, शाहबानों के साया था। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारी बात है अंजना जी, एक दौर था हमें तो वोट ही नहीं मिलते थे, कहा जाता था हम तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमें कभी वोट थोड़ी मिलेंगे, हमें वोट मिलने शुरू हुए। इसी देश के नागरिक है ना सर, एक सेकंड, इसी देश के नागरिक है ना, आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है, जरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी तो बात हो, आपको एक एक उम्मीदवार नहीं मिलता है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। देखिए हमें पहले वोट ही नहीं मिलते थे, कहा जाता था हम तो सिर्फ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी तो हमारी जमानते हैं। जब वोट मिलने शुरू हुए कहा गया नहीं तो सिर्फ शहरी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अब ग्रामीण तक भी पहुंच गई। फिर कहा गया नहीं तो उत्तर भारत की पार्टी है, आज हम एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है ईमानदारी से देखा जाए। फिर कहा गया नहीं तो सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। फिर आपने देखा कि समाज का हर वर्ग साथ आ गया, आश्वस्त रहिए, हम समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेकर उनका समर्थन चाहते हैं, ये लोग खौफ पैदा करके समर्थन चाहते हैं। तो एक समय आएगा जब मुस्लिम्स को यह रियलाइज होगा कि बाकी सभी ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है और हमने उनपे वास्तविकता में एतबार किया है। इसलिए जब भी हम किसी पढ़े लिखे मुस्लिम को आगे करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ये लोग नहीं खड़े होते, मगर इनको आतंकवादी बहाते हैं, मगर उनके जैसा आलिम फाजिल विद्वान नहीं बहाता है। पर एक समय आएगा जब यह परिवर्तन आएगा, इसीलिए हमारा कोई 80-20 में डिवीजन करने का नहीं है, यह तो उस जहनियत के ऊपर है कि वो 20% लोग 80% का एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। आपने उम्मीदवार एक भी नहीं मिलता, इस पर कोई जवाब नहीं दिया सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो जैसे समाज के सब वर्ग आते हैं साथ में, तो वो आए हमारे पर एतबार करें, हम उनको उम्मीदवार क्या और भी बेहतर देंगे, हमने तो बताया, हमने तो राष्ट्रपति बनाया था। ये बड़ा अच्छा है, चुनाव में यदि वो हमारे साथ कार्यकर्ता, देखिए 3 तरह के कारण होते हैं टिकट देने के, नंबर 1 हमारा कार्यकर्ता हो, नंबर 2 लंबे समय से पार्टी में काम किया हो, नंबर 3 जीतने की स्थिति में हो, तो कार्यकर्ता साथ में काम करें। देखिए ना, हम उम्मीदवार दिखा रहे हैं, खान साहब की पार्टी 99 उम्मीदवारों को 2017 बता रहे हैं जिसमें से 5 जीते, समाजवादी पार्टी ने 57 को उतारा था जिसमें से 17 जीते, कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों को उतारा था जिसमें से 2 जीते। बीजेपी का तो इसमें मामला ही गोल है, ना टिकट देना है ना उनको जिताने के लिए, बस वो आए हमारे पास आए, ऐसे बोलते रहिए, आपका चुनावी सत्र सुधांशु जी। अंजना जी ये बताइए, मुजफ्फरनगर में कितने दिए हैं, वहां 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने टिकट दिए हैं? और मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब का कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने कार्यक्रम देने बंद कर दिए। अरे आप ध्रुवीकरण करते हैं ना, इसीलिए नहीं दिया है गठबंधन ने, ये गुलाम नबी आजाद मुजफ्फरनगर में आप ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया इस बार, एक भी मुस्लिम सीट को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया है। मेरठ में 7 में से 4 जरूर बना दिया है, मैं इस पर मैं बात करूंगी, आरएलडी के भी प्रवक्ता हमारे साथ। इसका मतलब ये साफ हो गया ना कि टिकट से कोई देना देना नहीं है, मतलब सबसे बड़ी हिमायती पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है उस जिले में।